पहले हम किस जगह जाते हैं, डिज्नी स्टूडियोस या डिज्नी थीम पार्क? सबसे पहले हमने सोचा कि डिज्नी स्टूडियो देख लेते हैं, सो हम वहाँ दाखिल होने के लिए क्यू में लग गए। डिज्नीलैंड पेरिस बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है। उसको मुकम्मल तौर पर देखने के लिए आपको 3 से 4 दिन चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आपके इंटरटेनमेंट में हमेशा आड़े आएगी वो है लॉन्ग क्यूज़। चाहे आप अपनी पसंद की राइड पे जाना चाहते हो या अपनी पसंद का कोई शो देखना चाहते हो, आपको क्यू में लगना ज़रूरी है। और वेटिंग टाइम मिनिमम हाफ आवर है और कभी कभी तो 1 आवर भी हो जाता है। ये डिज्नी स्टूडियोज़ का कवर्ड एरिया है, जहाँ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और शॉप्स भी हैं, जहाँ से आप जो चाहे ख़रीद सकते हैं। जब हम डिज्नी स्टूडियोज़ में एंटर हुए तो शुरू में तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम कहाँ जाएँ। फिर हमें डिज्नी जूनियर्स के शो का एक बोर्ड नज़र आया, वो था ड्रीम फैक्ट्री, तो वो देखने के लिए हम अंदर दाखिल हुए। शो स्टार्ट होने में थोड़ी देर थी तो हमने थोड़ी देर सबके साथ इंतज़ार किया, फिर हम अंदर दाखिल हुए। ये डिज्नी जूनियर्स का एक म्यूज़िकल शो था जिसमें मिकी माउस, मिनी माउस और दूसरे कैरेक्टर्स शामिल थे। बबल्स और स्मोक बबल्स को सबने एंजॉय किया। स्मोक बबल जब हाथ से टच होकर स्मोक में चेंज हो जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। इस शो की फुल वीडियो आप मेरी अपकमिंग वीडियो में देख सकते हैं। शो देखकर जब हम बाहर आए तो एवेंजर्स के थीम एरिया की तरफ चले गए। यहाँ एक और क्यू लगी हुई थी जिसमें एंटमैन का कैरेक्टर सबके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। हम इस क्यू में तो नहीं लगे, बस बाहर से ही उसके साथ कुछ वीडियो बना ली। हम थोड़ा आगे आए, सब लोग नीचे खड़े होकर रूफ पर होने वाले एक शो को देख रहे थे। ये एवेंजर्स का एक शो था जिसमें स्पाइडरमैन, ब्लैक विडो और ब्लैक पैंथर शामिल थे। हमने भी नीचे से इस शो को देखा और एंजॉय किया। लकीली इसके लिए हमें किसी क्यू में नहीं लगना पड़ा। शो ऑलमोस्ट एंड हो रहा था इसलिए हमें स्टोरी समझ नहीं आई, लेकिन एवेंजर्स के कैरेक्टर को देखकर अच्छा लगा। थोड़ा आगे बढ़े तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड एक और बोर्ड लगा हुआ था। इसमें स्पाइडरमैन कुछ टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, कुछ ऐसा दिखा था। हमको समझ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ हमें ज़्यादा क्यों नज़र नहीं आई तो हम अंदर चले गए।
लेकिन अंदर जाकर पता चला यहाँ पे एक लंबी क्यू है। हम यही सोचते रहे एक घंटे तक इस क्यू में कि अंदर क्या होगा, ऐसा कौन सा शो है जिसको देखने के लिए सब मौजूद हैं। इस शो में दिखाया है कि पीटर पार्कर टोनी स्टार्क की एक लैब में काम कर रहा है, जहाँ कुछ स्पाइडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ओवरऑल एक मजेदार शो था। एंड में हमने भी एनिमेटेड स्पाइडर वेब की मदद से लिविंग स्पाइडर को किल करने में स्पाइडर मैन की मदद की। यू कैन ऑल्सो सी द फुल वीडियो ऑफ दिस शो इन माई अदर वीडियो। तस्वीरें खींचने की जगह है इसमें जाना। अब मास्क हटाओ। ओए हो गया अपने वाले में देखो। और दो चीजें को वहाँ से आगे बढ़े तो हम समझे कि हम थीम पार्क के एरिया में आ गए हैं, लेकिन हम अभी डिज्नी स्टूडियो में ही थे। यहाँ मुख्तलिफ राइड्स और एक्टिविटीज हो रही थी।
फाइनली जब हम डिज्नी स्टूडियो से बाहर आए तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था और हमको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम अभी तक डिज्नी स्टूडियोज़ में ही घूम रहे हैं। फिर आखिर सेम गेट से हम बाहर आए और डिज्नी थीम पार्क में दाखिल हुए। यहाँ इंटर होने के लिए हमें अपने सेम टिकट्स को एक बार फिर स्कैन करना पड़ा और इस तरह हम अंदर एंटर हो गए। बाहर आने से पहले हमने डिज्नी स्टूडियो में मौजूद एक रेस्टोरेंट से फ्रेंच फ्राइज खाए क्योंकि वहाँ हालांकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे।
क्यू में हाफ ओवर तक वेट करना पड़ा। डिज्नीलैंड स्टूडियो की तरह यहाँ भी मुख्तलिफ थीम्स के एरिया थे। ये जैक एंड द जाइंट बीन्स थीम का एरिया है। जॉली राइड के बाद हम एक और जेट राइड में बैठे, लेकिन यहाँ भी हमें तकरीबन 40 या 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। इस वक्त तक काफ़ी रात हो चुकी थी, सो हमने सोचा कि अब और किसी राइड में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वेटिंग टाइम फॉर एनी राइड इज़ टू लॉन्ग। 7:30 तक वापस हमको अपनी बस में पहुँचना था और यहाँ से बस पार्किंग काफ़ी दूर थी।